ओके, क्वेश्चन पूछा गया है क्रिएटिन से रिलेटेड। एक्चुअल मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा और वो दोनों लगभग सेम ही है। जैसे कि हम होम वर्कआउट करते हैं तो उसमें क्रिएटिन ले सकते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि क्रिएटिन का वर्क क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, जब भी आपको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है तो आपको लोगों द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि क्रिएटिन को आप ऐड कर लो, जिससे कि जो आपके फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो बढ़ जाएं और आप एज ए एटीपी प्रॉपर बनाकर उसे पावर की तरह यूज़ कर पाओ। इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो बना दी है, आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पर दे दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आप होम वर्कआउट में यूज कर सकते हो या नहीं। यहाँ पर आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा आप हैवी जा रहे हो। जैसे कि मान के चलो, होम वर्कआउट से ये मतलब नहीं है कि आप उधर वजन ना उठाओ, ओके। जैसे कि आप मान के चलो जिम आते हो, हैवी वेट लगाते हो, तो क्या मालूम घर पर भी तो हो सकता है आपका हैवी वेट। मान के चलो पुशअप्स लगा रहे हो, तो आपकी बैक है वहाँ पर, आप मान के चलो कुछ प्लेट्स या कुछ वेट का कोई पत्थर या कोई चीज़ है वो आप रख कर पुशअप्स लगा रहे हो, तो वो हैवी नहीं होगा क्या आपके लिए? होगा ना। उससे जिम और होम वर्कआउट का कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि आप कितनी ज़्यादा उसमें पावर खींच पा रहे हो, कितनी ज़्यादा पावर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या लगा रहे हो। और इसकी एक और कंडीशन हो सकती है कि आप मान के चलिए हाई रेपिटेशंस तक जाते हो। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे 100, 200 या 300 नॉर्मल बात है, बहुत से लोग जाते भी हैं। तो यहाँ पर जो मसल का ब्रेक होना है वो पुशअप्स में भी उतना ही होगा जितना कि आप इधर वेट उठाकर अपने चेस्ट को डैमेज देते हो। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना सा है कि आपके पास अगर वेट नहीं है तो आप उसकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाकर उसमें बर्नआउट कर रहे हो, और जो साथ में जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा आपके वर्कआउट में। लेकिन वहीं आप यहाँ पर एक क्विंटल लगाते हो, 10 रेपिटेशन लगाते हो, तो जो आपका ब्रेक होना है मसल वो जल्दी हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि टाइम का ही डिफरेंस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो कैलिस्थेनिक्स होते हैं, जो बेसिकली उनका जो वर्कआउट होता है, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो थोड़ा देख के चलना, तो उनके आप देखते हो कितने ज़्यादा रेपिटेशंस हाई रहते हैं। वो बेसिकली एक बार को यूज़ करके 100 रेपिटेशंस तक जाते हैं पुलअप्स के, चिनअप्स के, और वो पैरेलल बार डिप्स को भी कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब भी उनका मसल आप देख सकते हो कोई बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगते वो। हाँ, यहाँ पर ये अलग है कि थोड़ा सा शेप का मैटर पड़ जाता है, क्योंकि जो हम प्रॉपर जिम में वर्कआउट करते हैं मसल माइंड कनेक्शन बनाकर, उस मसल को एक अच्छा शेप दे पाते हैं, और जो कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट होता है उसमें थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो सकता है, मेरा मानना है। बाकी का जो लोगों का मानना है मैं उन पर छोड़ता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुद्दा कहाँ पर है, आपकी पावर पर, ओके। अगर आप इतना सब करते हो और उसमें पावर का यूज़ ज़्यादा लगता है तो आप क्रिएटिन को ऐड कर सकते हो। वो अलग बात है कि आपके मसल्स में ये पानी को होल्ड करता है, बढ़ाता है, वो सब अलग है, लेकिन मेन है यहाँ पर पावर, पावर, पावर। आई होप पीयूष भाई और एक और का तो नाम मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।